नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से आप देख रहे हैं। जी हां, इंडिया पावर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी रावत। बदायूं जनपद के कस्बा उसहैत में पत्रकारों ने पुलिस के द्वारा पत्रकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार एवं अवैध तरीके से हो रही कानूनी कार्रवाई के विरुद्ध आज प्रधानमंत्री के नाम थानाध्यक्ष उसहैत को एक ज्ञापन सौंपा है। युवा पत्रकार शाहिद अली के नेतृत्व में आज नगर पंचायत कार्यालय उसहैत पर पत्रकारों ने एक सूक्ष्म गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों एवं अवैध रूप से पत्रकारों पर हो रही कानूनी कार्यवाही को लेकर सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार रखे। आज धरना दिया गया है, किस उद्देश्य से दिया गया है ये? आज हमारा जो यहाँ कार्यक्रम था धरना प्रदर्शन का उसहैत कस्बा में बदायूं जिले के, वो हमारा इस उद्देश्य था कि हमारे एक साथी मनदीप मुनिया जी वो हमारे एक कार्यक्रम जो चल रहा है अभी भी फिलहाल में किसान आंदोलन का, उस आंदोलन की कवरेज कर रहे थे। जो सच्चाई थी उस सच्चाई को वो कवरेज के दौरान अपनी लिख रहे थे खबरें और उसे भी चला भी रहे थे अपने जो भी उनका पोर्टल था उसमें। लेकिन क्या लगता है आपको, जो दिल्ली पुलिस है उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया है? वो व्यवहार सिर्फ इसलिए किया है, जो उनका पुलिस प्रशासन कोई भी सत्ता हो सत्ता के अनुसार ही काम करती है, और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं अक्सर सत्ता के लोग सच्चाई जब हम दिखाते हैं तो सच्चाई दबाने के लिए ऐसे काम करवाते हैं, और उन्होंने जो किया है वो सच्चाई दिखाने आवाज़ सच्चाई की दबाने के लिए ही इस तरह से बेइज्जत करके गलत तरह से उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये जो ज्ञापन दिया गया है किस हमने जो ज्ञापन दिया है आज अपने थानाध्यक्ष महोदय को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, वो हमारी मांग है हम सब लोगों की कि हमारे मनदीप पुनिया के लिए बेइज्जत रिहा किया जाए। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के वक्त कवरेज करते हुए स्वतंत्र पत्रकार मनदीप दुनिया को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध एफआईआर भी पंजीकृत की गई है। वहीं केरल के एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन को हाथरस कांड के समय आते हुए गिरफ्तार किया गया था। दोनों पत्रकारों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी को लेकर कस्बा उसहैत के क्षेत्रीय पत्रकारों ने मांग करते हुए दोनों पत्रकारों के मुकदमे वापस लेने और उन्हें जल्द ही रिहा किए जाने की आवाज़ उठाई है। हमारे संवाददाता ने कहा कि पत्रकारिता करने के लिए हिम्मत एकजुटता का होना बहुत जरूरी है। किसी भी दशा में किसी की भी चाटुकारिता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संगठित साथियों पर भरोसा रखा जाए। इसी क्रम में सभी साथियों ने अपने अपने विचार रखते हुए एकता में ही शक्ति का एहसास कराया। यहाँ के समर्थन में ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? आज हम अपने बदायूं उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कस्बा उसहैत में हमारे ढेर सारे पत्रकार साथी आज मौजूद हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान एक स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पुनिया को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो अभी भी पुलिस की ही कस्टडी में, उसके खिलाफ एफआईआर भी लिख दी गई है। हम लोगों ने अभी प्रधानमंत्री महोदय को थानाध्यक्ष जी के द्वारा ये ज्ञापन जो भेजा है कि मनदीप पुनिया को बाइज्जत बरी करें और उसके खिलाफ जो भी मामले लिखे गए हैं वो सब वापस लें। इसके अलावा हाथरस कांड के दौरान जो केरला से एक पत्रकार सिद्दीक जो है वहाँ से निकला था कवरेज के लिए, उसे यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ भी संगीन जो धाराओं में मुकदमे लिखे गए हैं, वो भी आज पिछले दो महीने से जेल में है। तो हम सब पत्रकारों की ये मांग है कि इन दोनों पत्रकारों को बेइज्जत बरी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये महसूस होता है कि हमें हमारे देश में ही लिखने की आज़ादी जो हम पत्रकारों की है वो हमसे छीनी जा रही है, और ये बात हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी अभी तो हम लोगों ने ज़मीन पे हम जो समझ बैठे हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी हमारी आवाज़ को आज़ादी के लिए, हमारी कलम को आज़ाद करने के लिए, तो एक दिन हम लोग जो है सड़कों पे भी आने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या लगता है जो मनदीप पुनिया थे उनके साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया वो कैसा किया है? बेहद शर्मनाक वो व्यवहार, वो वीडियो वायरल है, जिस तरीके से अभद्रता के साथ मनदीप पुनिया को खींचा गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पहली बात तो उसकी गिरफ्तारी ही फर्जी है, उसे गिरफ्तार करने का हक दिल्ली पुलिस को, एक पत्रकार को कवरेज के दौरान कोई भी पुलिस, ये
हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर दंगा या कहीं कोई बवाल होता है और अगर वहाँ पत्रकार अपनी कवरेज के लिए पहुँचता है तो वो पत्रकार को भीड़ में शामिल आप नहीं मान सकते, वो अपने काम के लिए वहाँ पर मौजूद है। तो उस दौरान दिल्ली पुलिस ने जो है मनदीप पुनिया को गिरफ्तार किया है। हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी दिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे लगाए थे और हम दिल्ली पुलिस के खिलाफ एक बार फिर हम मतलब दिल्ली पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त करते हैं और हम ये प्रधानमंत्री महोदय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों पत्रकारों को बेइज्जत रिहा मतलब हो और इनके खिलाफ जो भी मामले लिखे गए हैं वो भी समझे वापस। इस मौके पर मोहम्मद शाहिद, असद अहमद ठाकुर, कुलदीप सिंह, रिंकू शर्मा, रोहित पाठक, रितेश चौहान, शिवम भारद्वाज, मोनू शर्मा, अजय गुप्ता, अरविंद शर्मा, नंद किशोर पाठक, जीशान अंसारी, विनोद कुमार एवं कुलदीप सहित तमाम पत्रकार मौजूद रहे। आइए देखते हैं इंडिया पावर न्यूज के साथ पत्रकार बंधुओं ने क्या कहा, देखें। ये उद्देश्य ये है, मनदीप पुनिया जो है एक दिल्ली की जो पत्रकार है स्वतंत्र पत्रकार, वो किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में वहाँ अपनी कवरेज कर रहे थे, उसी दौरान उनको दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मतलब एक कहा जाए शर्मनाक तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी उन पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। और इस तरह का देखा गया है कि जहाँ भी पत्रकार पत्रकारिता कर रहे होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनके आड़े आती है, उनके काम के आड़े आती है और उनको इस तरह से उनकी गलत जो है मतलब गिरफ्तारियां करके उनको जेल तक भेजने का काम कर रही है। इसके जो है उसके खिलाफ हम लोग जो है आज बताएंगे जनपद के उसैद कस्बे में करते हुए थे, जो हम थानाध्यक्ष उसैद महोदय के जरिए से प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि इसको दोनों पत्रकारों को बहुत जल्दी रिहा किया जाए और हमारी बात को सुना जाए। वहीं कुछ संबंधित अधिकारियों का कहना है कि जो मनजीत पुनिया थे वो पत्रकार नहीं है। संबंधित अधिकारियों के कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि मनदीप पुनिया जो है वो एक पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकार थे। इसके अलावा वो एक वेब पोर्टल के लिए काम कर रहे थे, एक जो है मंथली मैगजीन के लिए काम कर रहे थे और उनके कई लेख हैं और मनदीप पुनिया जो थे वो पत्रकार हैं और फ्रीलांस पत्रकार भी अगर हैं, वो किसी एजेंसी को भी अगर वो जो अपनी पत्रकारिता करके दे रहे हैं तो वो पत्रकार हैं हमारा मानना।